हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो? तो फ्रेंड्स, अभी हम दुख निवारण साहब नहा धोकर आ गए हैं, नीचे दर्शन करने जा रहे हैं। फिर हम लंगर प्रसाद छक के फिर हम यहाँ से निकलेंगे गुरुद्वारा सिरहंद और फतेहगढ़ साहब भी जाएंगे इसके बाद। वैसे हमको कल शाम को जाना था, पर कल बहुत देर हो गई थी, इसलिए आज हम जल्दी उठकर फटाफट, और पापा ने हमसे कैरेट जोत मंगाई है, M2 नहीं मंगाई है, वो लेनी है, भी लेंगे फिर चलेंगे। हमारी शक्लें देखो, पूरी सूजी बढ़िया है। नहीं नहीं चलो, पे जब हम जा रहे थे तो इधर एक सोडा की एक बहन है, बाबा सोडा इंडस्ट्रीज की, तो ऐसा भीड़ जी एक ये दे दो, एक मसाला सोडा और एक कोला, नहीं अलग अलग अलग। जगह तो अच्छी है ना, मस्त जगह है। सो फ्रेंड्स, हम फतेहगढ़ साहब पहुंच गए हैं और बहुत धूप है यहाँ पर, बहुत गर्मी है, और अभी हम अंदर जाएंगे और आपको वहां परिचित करवाते हैं। आइए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, ये वही दीवार है जहाँ पर बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को
सुनवाया गया था और यहाँ पर अब बहुत ही हर समय पाठ होता रहता है और वाहेगुरु हम सबको भी उनके मार्गदर्शन पर लेके जाए और हमें अपनी सिक्खी पर कायम रखे। सो फ्रेंड्स, ये है खंडक बुरुज जहाँ पर माता कुजरी और दोनों छोटे साहबजादों को कैद करके रखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है खंडक बुरुज। इसमें माता कुजरी और दोनों छोटे साहबजादों को सूबा सरहद ने कैद कर रखा हुआ था। पीछे एक गार्डन भी है। तो फ्रेंड्स, पीछे एक गार्डन भी है, यादगार शहीद बाबा। पीछे इधर एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है फतेहगढ़ साहब का, वो जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो आप व्हाइट कलर की, उसमें है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब कड़ी चावल और दाल का एक नंगर है। हमने इतना बता, तूने क्या मांगा था? हाँ, मैंने कड़ी चावल और मैंने भी कड़ी दाल चावल मांगे थे। दोनों की इच्छा पूरी हुई। जा रहे हैं घर की तरफ। हमने गुरुद्वारे में अच्छे से दर्शन कर लिए, प्रसादा चख लिया, सब कर लिया। अब हम घर जा रहे हैं। बहुत आनंद आया है यहाँ पर आके। फ्रेंड्स, हम वापसी पे है और अभी पानीपत पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ढाबा है जिसका नाम है केसर ढाबा और यहाँ पर अभी हम कुछ खाएंगे। और देखो, अपना सुनाना बहुत ज़्यादा थक गई है और अब सुना पूछते हैं उसे, नहीं बताओ अपने बारे में कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थक गए बहुत। जल्दी से आराम करना, वो तो है ही। चलो फिर, ये टूर बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा है, अभी देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। और हमें लगता है हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे और मतलब लगेंगे घर पहुंचने में। और घर पहुंचते तो फ्रेंड्स, अब हम क्या कहते हैं सोनीपत पहुंच गए हैं और यहाँ से 45 किलोमीटर दिल्ली है। अभी कम से कम हमें दिल्ली पहुंचने में 1.25 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा भी लग सकता है। फिर उसके बाद दिल्ली से फरीदाबाद 2 घंटे, मतलब हम 10 बजे तक ही घर पहुंच पाएंगे रात को। वैसे हमारा ये टूर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही आनंद आया इस टूर में हमें। मज़ा भी आया, आनंद भी आया, बहुत मज़ा आया। और फ्रेंड्स, इसी टूर का जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो होगा हमारा चाइना बॉर्डर का, जो कि हम थोड़े टाइम बात करेंगे, जिसके बारे में भी हम सारी मतलब डिटेल्स देख रहे हैं, चेक करते रहते हैं।
जैसे भी होगा हम आप लोगों को बता देंगे। तो अभी हम बहुत दिल्ली पहुंचते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, अब इतना तगड़ा जाम आ रहा है बिल्कुल, अभी हम मतलब दिल्ली बॉर्डर पे हैं, उससे आगे ही आ गए हैं, और ये जाम करछोनीपत तक का है। बहुत बहुत जाम है फ्रेंड्स, कम से कम हमें पौना घंटा हो गया होगा इसमें फंसे हुए। फिर हार के हम थक गए इतने ज्यादा, और इतनी भीड़ है, इतनी रश है, याद आऊ पानी नहीं था, कुछ नहीं था। पानी हमने लिया, पेट्रोल पंप पे रुके हैं, साथ में मैंने लेमन लिया, हालत खराब हो गई है। लेमन बहुत देर से, एक बंदा कहता है कि जहाँ से जाम स्टार्ट हुआ था सिर्फ 50 मीटर का जाम है, और 12-15 किलोमीटर आ गए हैं। थप्पड़ मारना चाहिए उसको, 15 किलोमीटर आ गए हैं। 50 मीटर, हाँ मीटर बोलने से पहले सोचना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग किया। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपने घर पहुंच गए, और वहां से हम अपने साथ हमारे प्यारे भाई दुदू मूसेवाला की कुछ मतलब यादें साथ लेकर आए हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये जो हमारा 4 दिन का एक टूर था, ये हमारा बहुत ही अच्छा रहा, और अब हम आगे देखते हैं कि हमारा चाइना बॉर्डर वाला जो एक जो मतलब टूर है, जो कि मतलब इसी टूर का एक सेकंड पार्ट है, उसकी तैयारियां अब करेंगे। होपफुली हमारा मतलब गोवा वाला भी टूर हमारा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने इन्हें अपने सर्कल में अवश्य शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय।